स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम आएगा तो उस तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटीज़ कितने तरह के हैं और उसके क्या क्या नाम से हैं, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, आज शुरू करता हूँ अपना वीडियो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर दोज यूनिवर्सिटीज़ डेट आर सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। द फंडिंग फॉर मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज इज प्रोवाइडेड बाई द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। देर आर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, आउट ऑफ विच 40 कम्स अंडर प्रव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी and the Central Agriculture University, Imphal, do not get funding from UGC. Instead, they get assistance from the Ministry of Human Resource Development and the Ministry of Agriculture respectively. मैं आपको हिंदी में भी बताता हूँ दोस्तों। Some of the Central Universities are Allahabad University, the University of Delhi, and Banaras Hindu University, BHU. Kendriya Vishwavidyalaya, Kendriya Vishwavidyalaya, यह विश्वविद्यालय है जिन्हें संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है। इन विश्वविद्यालयों के रखरखाव और विकास के लिए धन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनमें से 40 मानव संस्थान विकास मंत्रालय के द्वारा दायरे में आते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुकुट विश्वविद्यालय और केंद्रीय कृषि विद्यालय इम्फाल को UGC के वित्त पोषण नहीं मिलती है। इसके बजाय इन्हें क्रमश मानव संस्थान विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से सहायता मिलती है। कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है स्टेट यूनिवर्सिटीज़। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और दोज यूनिवर्सिटीज़ डेट आर रिकॉग्नाइज बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड सेटअप बाय द सेम। करंटली देर आर 318 स्टेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, इंक्लूडिंग द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री, नेमली द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12B of the UGC Act, the state university that were formed after 17 June 1972 are eligible to receive any grant fund from the UGC. The central government or any organization that already receive grant from the government. The establishment of state universities and provisions for grant of funds are made by the state governments.
राज्य विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय वे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें संसद के एक अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त है और उसी द्वारा स्थापित की जाती है। वर्तमान में भारत में 318 राज्य विश्वविद्यालय हैं जिनमें देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, अर्थात मद्रास विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम के द्वारा 12B के अनुसार 17 जून 1972 के बाद जो राज्य विश्वविद्यालय बनाए गए थे वे यूसीजी केंद्र सरकार यहाँ पहले से ही सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले किसी भी संगठनों से कोई अनुदान निधि प्राप्त करने के योग्य नहीं है। राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना और धन के अनुदान के प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर दोज यूनिवर्सिटीज़ दैट आर नाइदर गवर्नड नॉर ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। दे आर एस्टेब्लिश्ड थ्रू अ सेंट्रल और स्टेट एक्ट बाय एनी स्पॉन्सरिंग बॉडी लाइक एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और एनी अदर लॉ डैट फॉर अ टाइम बींग इज इन फोर्स इन एनी स्टेट और पब्लिक ट्रस्ट और अ कंपनी डैट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूसीजी सो दैट द डिग्री अवार्डेड बाय दीज यूनिवर्सिटीज टू द स्टूडेंट्स होल्ड सम वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस। निजी विद्यालय वे विद्यालय हैं जो न तो शासित हैं और न ही सरकार द्वारा संचालित हैं। इन्हें किसी भी प्रयोजक संस्था द्वारा केंद्रीय या राज्य अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया जाता है, जैसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत किसी भी राज्य के लिए जो किसी भी राज्य या सार्वजनिक ट्रस्ट या द्वारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी में लागू होती है। कंपनी अधिनियम 1956 निजी विश्वविद्यालय को यूसीजी द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए ताकि छात्रों को इन विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री कुछ मूल्यवान और महत्व रखती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज, दीज आर सम इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग हायर एजुकेशन डेट आर नॉट यूनिवर्सिटीज बट आर मोस्टली रिकग्नाइज फॉर दियर हाई क्वालिटी एजुकेशन। दीज इंस्टीट्यूट्स आर गिवन द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी। सच इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी और टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी। द यूसीजी ग्रांट द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी। दीज इंस्टीट्यूट्स विद द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंजॉय फुल ऑटोनॉमी टू सेट अप दीज कोर्स वर्क देयर कोर्स वर्क एंड सिलेबस एज वेल एज गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशंस फीस एंड अदर इंस्ट्रक्शंस। सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट
of Business Management, National Institute of Technology, and Nurse Monji Institute of Management are some of the deemed universities in India. ठीक है दोस्तों, मैं हिंदी में बताता हूँ अभी आपको. डीम्ड यूनिवर्सिटीज उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले कुछ संस्थान हैं जो विश्वविद्यालय नहीं हैं लेकिन उनकी उचित गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए पहचाने जाते हैं. इन संस्थानों को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है. ऐसे संस्थानों के को डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या डीम्ड टू यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है. UGC विश्वविद्यालय की स्थापित को अनुदान देती है. डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थिति वाले इन संस्थानों को अपने प्रथालय कर्म कार्य और पाठ्यालय क्रम के साथ साथ प्रवेश शुल्क और अन्य निर्देशकों के बारे में दिशा निर्देशन देने के लिए पूर्ण है, पूर्ण स्वस्थता प्राप्त है. सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नर्सी मनोजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारत के कुछ डीम्ड विश्वविद्यालय हैं. ठीक है दोस्तों, तो ये यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं. तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचा सकूं. थैंक यू.